जापान की सॉफ्ट बैंक अब जियो में करीब 200 से 300 करोड़ डॉलर का निवेश करने का मन बना रही है। अगर ये निवेश होता है तो जियो को अपना कर्ज कम करने में मदद मिलेगी, पर इससे जियो बाजार में कंपटीशन और बढ़ा देगी। देश की सबसे तेजी से बढ़ने वाली टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो में अब सॉफ्ट बैंक निवेश करने की तैयारी में है। खबरों के अनुसार सॉफ्ट बैंक जियो में करीब 200 से 300 करोड़ डॉलर निवेश कर सकता है। माना जा रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी अपने व्यापार में हिस्सेदारी बेचने के इच्छुक हैं। इस खबर का पता तब लगा जब बीते हफ्ते सऊदी अरामको के जरिए 1,000 से 1,500 करोड़ डॉलर रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल के व्यापार में निवेश की खबर सामने आई थी। इस निवेश के बदले सऊदी अरामको रिलायंस में करीब 25% की हिस्सेदारी लेगा। जेपी मॉर्गन एनालिस्ट पिनाकीन पारिक के मुताबिक सॉफ्टबैंक काफी लंबे समय से जियो में निवेश करने के लिए एक निवेशक के रूप में देखा जा रहा है और निवेशकों से बातचीत में सॉफ्टबैंक के जियो में निवेश करने की संभावना बताई थी। खबरों के अनुसार सॉफ्टबैंक अपने विजन फंड के जरिए निवेश करने की तैयारी कर रहा है। मार्च 2019 की तिमाही तक जियो का कर्ज करीब 76,212 करोड़ रुपए का था, इसीलिए कंपनी सऊदी अरामको से निवेश लेने की तैयारी कर रहा है। उज़ैर अली जाफरी की रिपोर्ट, गो न्यूज़।